नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल एनिग्मा में हार्दिक स्वागत है। आज आप जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन आर्मी के एसएस कमांडो ऑटो स्कॉर्जेनी के बारे में। जब जर्मन सेना ने युद्ध में पोलैंड के एक शहर को जीत लिया था, तब उस शहर पे पकड़ बनाए रखने के लिए उन्हें तोप और आर्टिलरी की सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन अमरीकी सेना ने शहर से भागते समय सभी मुख्य ब्रिज और रोडवेज को तहस नहस कर दिया था, जिसे जर्मन सेना के टैंक ब्रिगेड वहां तक पहुंच नहीं सकता था। और उधर एलाइड फोर्सेस फिर से शहर को हथियाने का कोशिश कर रही थी। ऐसे में हिटलर ने शहर पर पकड़ बनाए रखने के लिए मुश्किल काम के जिम्मेदारी एक बेहद खास व्यक्ति को दिया, 6 फीट 4 इंच लंबा एसएस कमांडो ऑटो स्कॉर्जेनी, जिसके चेहरे पर युद्ध के दौरान पड़े एक लंबा निशान था। मेजर स्कॉर्जेनी हिटलर का बहुत ही खास व्यक्ति था, जिसे हिटलर तभी इस्तेमाल करता था जब स्थिति हाथ से निकलने लगती थी। ऑटो स्कॉर्जेनी को कई हिम्मत वाले अभियान के लिए जाना जाता था। 1943 में इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी, जिन्हें अमरीकी और अलायड फोर्सेस के द्वारा एक पहाड़ के ऊपर खुफिया ठिकाने पर बंदी बनाकर रखा गया था, एक बेहद साहसिक मिशन में ऑटो स्कॉर्जेनी ने जर्मन सेना के एसएस कमांडो और जर्मन सेना के लुफ्टवाफ पैराट्रूपर के साथ मिलकर उस खुफिया ठिकाने पर हमला करके मुसोलिनी को आजाद करा दिया था और उन्हें हिटलर के खुफिया ठिकाने वुल्फ लेयर पर पहुंचा दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑटो स्कॉर्जेनी ने एक बेहद हिम्मत वाला और गुप्त प्लान बनाया। वो एक ऐसी सेना का डिमांड रखा जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। उसने जर्मन हाईकमांड से 15 अमरीकी जर्मन टैंक्स, 20 अमरीकी आर्मर्ड व्हीकल, 20 टैंक डिस्ट्रॉयर, 100 जीप, 40 मोटरसाइकिल और करीब 3,300 सैनिकों की डिमांड रखी। ऑटो स्कॉर्जेनी का मकसद था अंग्रेजी बोलने वाले जर्मन सेना का एक ऐसा टुकड़ी बनाना जिसे देखकर अमरीकी सेना को लगे कि ये उनके ही सपोर्टिंग आर्मी ट्रूप्स हैं। जर्मन हाई कमांड के लिए स्कॉर्जेनी का डिमांड को पूरा करना एक चुनौती बन गया, क्योंकि व्हीकल्स को जुटा पाना काफी मुश्किल था। 20 शेरमैन टैंक्स की जगह सिर्फ 3-4 ही टैंक मिल पाया, 20 टैंक डिस्ट्रॉयर की जगह 10 डिस्ट्रॉयर ही मिल पाया और सिर्फ 8 या 10 आर्मर्ड व्हीकल का ही जुगाड़ हो सका। इन कमियों को पूरा करने के लिए कई जर्मन व्हीकल्स को ही पेंट करके उसे एलाइड फोर्सेस से मिलता जुलता बनाया दिया गया। अमरीकी सेना के ड्रेस का इंतजाम आसानी से हो गया। जेल में बंद कैदियों से ही उन्हें ड्रेस, हेलमेट, वेस्ट आदि चीजें मिल गईं। जर्मन और अमरीकी सेना को पहचान में कंफ्यूशन ना हो, इसके लिए जर्मन सेना ने अपनी कॉलर पर लाल रंग की पट्टी लगा ली। सभी तैयारियों के बाद 16 दिसंबर 1944 की सुबह 3 बजे जर्मन सेना ने अचानक जोरदार हमला कर दिया। इस हमले के बाद पूरी तरह से कंफ्यूज्ड अमरीकी सेना और एलाइड फोर्सेस को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एलाइड सेना अपने ही सैनिकों को कंफ्यूजन में मारने लगे।
ऑटो स्कोरजेनी के इस अभियान के एलाइड सेना पर फिजिकली से ज्यादा मेंटली और साइकोलॉजिकली प्रभाव पड़ा, जो कई सालों तक चलता रहा। अमरीकी सेना के बीच आपसी मतभेद काफी बढ़ गए। जर्मन जासूस होने के शक में दर्जनों हाई ऑफिसर्स और सैकड़ों बेगुना अमरीकी सैनियों को मार दिया गया। इस युद्ध में ऑटो स्कोरजेनी घायल हो गए थे, लेकिन वे जीवित बच गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ऑटो स्कोरजेनी एक गुप्त ठिकाने पर फरार हो गया। 1947 में दचाऊ नाम के शहर से स्कोरजेनी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जून 1948 में महज कुछ महीनों के भीतर ही वे अन्य 3 एसएस कमांडो के साथ मिलकर जेल से फरार हो गए। बाद में पता चला कि ये 3 एसएस कमांडो जेल के लॉन्ड्री सेक्शन से एलाइड ऑफिसर्स के ड्रेस को चुरा लिए थे और बाद में उसी की मदद से फरार हो गए। सालों बाद उन्हें बवेरिया और पेरिस में देखा गया था, जहां से वे स्पेन फरार हो गए, जहां इजिप्ट और अर्जेंटीना के मिलिट्री एडवाइजर के रूप में कार्यरत थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वे मोसाड के भी मेंबर थे। मोसाड इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है। जुलाई 1975 में उनकी मौत लंग कैंसर से 67 साल की उम्र में मद्रिद शहर में हुई। उनके अंतिम संस्कार में कई पूर्व जर्मन सैनिक और पूर्व नाजी के मेंबर भी शामिल हुए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो हमारा चैनल एनिग्मा को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।